the two constables of the Rajat Bandre, Peter Stamberg, Bruce, I, Madhokia. The Chaparad, after the election, Kalyat, Tara Motia. The Mumtaz Mountain, Unki Hamra, Sudar Putnandan Singh, Police Training School, Kathyarbal, Ramesh Rajat Bandre, Uchalpuri, Mohanik Gadi. मोहसिन मानो हम सब खड़े होंगे अभी हाल ही में तिहार जेल में जो वाकया हुआ शर्मनाक है। उस वाकये में न सिर्फ उन पुलिस वालों ने अपनी स्टेट का नाम बदनाम किया बल्कि तमाम पुलिस फोर्स का नाम बदनाम कर दिया। तमाम पुलिस फोर्स के ऊपर उन्होंने एक दबा लगा दिया। उसके मुकाबले मैंने देखा है जम्मू कश्मीर में जो हमारे हालात हैं बहुत ही मुश्किल हालात हैं। पत्थरों का मुकाबला करना पड़ता है, गोलियों का मुकाबला करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हालात का मुकाबला करना पड़ता है, पर उसके बावजूद जो नज़्म ज़ब्त, जो तहम्मुल यहाँ की पुलिस पर जो तहम्मुल यहाँ की पुलिस करती है वो वाकई तारीफ के काबिल है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जब यहाँ से बाहर जाए तो इन चीजों का ख्याल रखें कि चाहे मुजरिम हो मगर आपका काम है, आपका फर्ज है लोगों के जानो माल का तहफ्फुज़ करना। जब मुजरिम होता है तो वो आपकी कस्टडी में होता है, उसकी जान का भी आपने वैसे ही तहफ्फुज़ करना है जैसे किसी आम इंसान की जान का तहफ्फुज़ करना होता है। इसका खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके बाहर की दुनिया में, वादी में अलग किस्म के चैलेंजेस हैं, जम्मू में अलग किस्म के चैलेंजेस हैं, या हमारे हिंदू मुस्लिम भाई इकट्ठे रहते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप लोग अपने फर्ज अंजाम देते हो एक बैलेंस मेंटेन करना है। जिसकी गलती हो चाहे वो किसी मजहब किसी जात पात से ताल्लुक रखता हो आपने इंसाफ करना है, आपने लोगों को इंसाफ देना है। और कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करना है मगर मिलिटेंसी सिर्फ मिलिटेंट को खत्म करने से खत्म नहीं होती है। मिलिटेंसी की जो वजूहात हैं, मिलिटेंसी के जो असली प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करनी है। जैसे हाल ही में हमने एक पॉलिसी यानी जो पहली बार कोई किसी ने पत्थर मारा हो उसको एमनेस्टी, यानी ये जो जवान बच्चे हैं लड़के हैं वो कहते हैं पेरेंटिंग, पुलिस को इनकी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा। अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले जो पहले जिनको इंजरीज लगी हैं, मैंने उनको अपने घर बुलाया था तो मुझे हैरानगी होगी उसमें कई बच्चे नाबालिग थे, 14 साल, 15 साल, 16 साल। तो इस बच्चे को क्या करेंगे आप? इसको तो आप एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, इसके तो आपको दोस्त बनना पड़ेगा। बेशक खुदा ना खासा